बैक बैक ऑन चर मेडिकल्स जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सो so देखते हैं आज का हमारा हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है है so सो आज का डिस्क्राइब द सोर्सेस बायोकेमिकल फंक्शन डेली रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉपर तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन तो so, देखते हैं इसमें क्या लिखना है सो so गैज सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेस तो so, देखते हैं कॉपर के सोर्सेस uh, क्या है लिवर किडनी मीट एग योग नट्स ग्रीन ड्रिफ्री वेजिटेबल्स ये जो है ये हो गए सोर्सेस कॉपर के नेक्स्ट हम देखेंगे रिकमेंडेड डायट्री ऑलोन्स तो देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है कॉपर का, का तो सबसे पहले हम देखेंगे अडल्ट तो अडल्ट में जो है इसका रिक्वायरमेंट है टू टू थ्री मिलीग्राम पर डे और इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन में कितना है जीरो पॉइंट फाइव टू टू मिलीग्राम पर डे तो ये हो गया हमारा कॉपर का डायट्री रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन तो देखेंगे इसमें एब्जॉर्प्शन में सो so, सबसे पहले है अबाउट टेन परसेंट द डायट्री कॉपर इज एब्जॉर्ब मेनली इन द डिओडिनम जो हमारा डायट्री कॉपर है उसमें से जो है टेन uh, परसेंट जो कॉपर है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है वो डिओडिनम uh, में एब्जॉर्ब हो जाता है नेक्स्ट हम देखेंगे मेटेलो थियोनिन मेटेलो थियोनिन इज अ ट्रांसफर प्रोटीन दैट फैसिलिटेट्स कॉपर एब्जॉर्प्शन ये जो प्रोटीन है कौन सा मेटेलो थियोनिन ये क्या करता है कॉपर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फाइलेट जिंक एंड मोलिडिनम डिक्रीज द कॉपर अपटेक फाइलेट जिंक और मोलिडिनम जो है वो कॉपर का अपटेक अपटेक uh, कम कर देते हैं मतलब कॉपर का एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं तो ये होगा हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस तो देखते हैं कॉपर के बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है कॉपर इज अ एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेवरल एंजाइम्स ये जो कॉपर जो होता है वो uh, बहुत सारे एंजाइम्स के की स्ट्रक्चर uh, में होता है एज अ की स्ट्रक्चर होता तो देखते कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं में कॉपर होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेस कैटालिस टाइरोसिनिस सुपरऑक्साइड डायमेटिस ये एंजाइम्स जो है इनमें जो है कॉपर जो है इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में होता है कॉपर इज इन्वॉल्व इन मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन कॉपर जो बहुत सारे मेटाबलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है कॉपर इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन कॉपर जो होता है वो हिमोग्लोबिन के सिंथेसिस में मेन रोल परफॉर्म करता है लाइसिल ऑक्सीडेज इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ सर्टन लाइसिलेसिड्यूज ऑफ कोलेजन इलेन टू एल लाइसिन विच इज ने फॉर क्रॉस लिंकिंग दिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजोन और इलेस्टिन इलेस्टिन में जो होते हैं वो कुछ लाइसेंस रेसिड्यूज होते हैं जिसे कन्वर्ट किया जाता है एल इलाइसिन में एल लाइसिन में कौन कन्वर्ट किसके प्रदेश में कन्वर्ट किया जाता है लाइसिल ऑक्सीडेज में क्या होता है जो हमारा कोलेजन और इलेस्टिन में कुछ लाइसेंस रेसिड्यूज होते हैं वो कन्वर्ट किया जाते हैं एल लाइसिन में इसके प्रेजेंट में लाइसिन ऑक्सीडेस के प्रेजेंस में ठीक है तो और ये जो है एल लाइसिन जो है क्रॉस लिंकिंग में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है प्रोटीन्स के ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा इन है वो आयरन के कन्वर्शन में काम आता है कौन से कन्वर्शन में आयरन जो होता है जो फेरस फॉर्म में होता है उसको फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेरोलो प्लाज्मिन की जरूरत होती है और हमने देखा है कि सेरोलो प्लाज्मिन में के में कॉपर एज ए इम्पोर्टेंट की स्ट्रक्चर एज ए उसके स्ट्रक्चरल में फॉर्मेट में जो की स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉपर होता है नेक्स्ट जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मेलानिन एंड फॉस्फोलिपिड कॉपर जो है मेलानियन और फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में मेन रोल परफॉर्म करता है डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड नर्वस सिस्टम रिक्वायर्ड कॉपर बोन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में कॉपर जरूरी होता है हीमोसाइनिन अ कॉपर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन इन्वर्टिब्रिट्स फंक्शंस लाइक हीमोग्लोबिन फॉर ओटो ट्रांसपोर्ट हीमोसाइनिन करके एक प्रोटीन होता है जो इन्वर्टिब्रिट्स में होता है वो एज ए ओटो ट्रांसपोर्ट फंक्शन करता है तो ये हो गया हमारे बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द कॉपर सो so गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे डिसीजेस तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर डिफिशियंसी तो कॉपर की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या क्या होता है देखेंगे सीवियर डिफिशियंसी कॉजेस डिमिनलाइजेशन ऑफ बोन डिमेलनेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू एनीमिया फ्रेजिलिटी ऑफ आर्टरीज माइकॉडियल फाइब्रोसिस हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ग्रेइंग ऑफ हेयर अगर डिफिशेंसी हो जाती है सीवर डिफिशेंसी हो जाती है कॉपर की तो हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे मेन केस डिसीज तो देखेंगे इसमें, uh, इसमें क्या होता है दिस इज डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर इसमें क्या होता है इंटेस्टाइन में कुछ डिफेक्ट्स होता है उसकी वजह से क्या होता है कॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स तो देखते इसके सिम्टम्स क्या है डिक्रीज इन कॉपर इन प्लाज्मा एंड यूरिन एनीमिया एनिमिया एंडेशन ये जो है ये सिम्टम्स है मेन केस के नेक्स्ट हम देखेंगे सो नेक्स्ट देखेंगे तो देखते हैं इट इज अ रेयर डिसऑर्डर ऑफ एबनॉर्मल कॉपर मेटाबोलिज्म कैरेक्टराइज बाय तो ये जो है विल्सन डिसीज जो है ये रेयर डिसऑर्डर है मतलब पचास हजार में से एक पर्सन को ये होता है तो देखते ये कौन कौन से कैरेक्टर शो करता है कॉपर इज डिपॉजिटेड इन एबनॉर्मल अमाउंट इन लीवर एंड लेंटिकुलर सेल्स ऑफ ब्रेन तो ये जो है कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है लीवर और लेंटिकुलर लेंटिकुलर सेल्स ऑफ द ब्रेन विच में लीड्स टू द हेपेटिक सिरोसिस एंड ब्रेन नेक्रोसिस नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ कॉपर एंड सेरुलर प्लाज्मा इन प्लाज्मा विद इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर इन यूरिन कॉपर और सेरूलर प्लाज्मा का लेवल कम होता है प्लाज्मा में और uh, कॉपर का एक्सक्रेशन बढ़ जाता है यूरिन में कॉपर डिपोजिशन इन किडनी कॉजेज रीनल डैमेज विच लीड्स टू इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ ओमन एसिड ग्लूकोज पेप्टाइड्स एंड हीमोग्लोबिन इन यूरिन नेक्स्ट इंटेस्टल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर इज वेरी हाई इज अबाउट फोर टू सिक्स टाइम्स हायर देन नॉर्मल जो इंटरस्टनल एब्जॉर्प्शन होता है कॉपर का बढ़ जाता है जो कि uh, छः से चार से छ गुना बढ़ जाता है तो ये हो गया हमारा विल्स डिसीज कॉपर मेटाबॉलिज्म और इसकी जो पीडीएफ है पहले ही डिस्क्रिप्शन uh, में uh, हमने अपलोड कर दिए आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं